तो दोस्तों मैं आज आपको टोटल 12 रीजंस बताऊंगा, 6 रीजंस इसलिए कि आपको एप्पल के आईफोन्स क्यों लेने चाहिए और 6 रीजंस इसलिए कि आपको एप्पल के आईफोन्स क्यों नहीं लेने चाहिए। स्वागत है दोस्तों आपका डेली टेक ज्ञान में। दोस्तों हाल ही में एप्पल ने अपने iPhone 13 सीरीज के फ़ोन लॉन्च किए हैं। इसमें iPhone 13, iPhone 13 मिनी, iPhone 13 प्रो और iPhone 13 प्रो मैक्स, ये 4 वेरिएंट लॉन्च किए हैं। और जब से ये फ़ोन लॉन्च हुए हैं कई लोगों के मन में ख्याल आता होगा कि क्या हमें ये एप्पल के iPhones जो नए लॉन्च हुए हैं उन्हें लेना चाहिए या फिर इसका बेटर ऑल्टरनेटिव को एंड्रॉयड का फ़ोन लेना चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला रीज़न है चार्जर। अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे नॉर्मल एंड्रॉयड के फ़ोन से एप्पल के आईफोन्स को कंपेयर करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें आपको चार्जर नहीं मिलता है। आईफोन 12 में भी नहीं मिलता था और आईफोन 13 में भी आपको कोई चार्जर नहीं मिलता है। आपको सिर्फ फ़ोन मिलता है बॉक्स में और उसके साथ एक केबल मिलती है और कोई भी चार्जर नहीं मिलता। आपको उसका चार्जर अलग से लेना पड़ेगा। बट आप ये जानकर शौक होंगे कि आज के टाइम में भी एप्पल सिर्फ 20 वॉट के चार्जर प्रोवाइड करता है और उसकी कीमत भी काफ़ी हाई है। एज कम्पेयर टू अगर हम एंड्रॉयड फ़ोन के चार्जर्स की बात करें तो वी आर इन 21st सेंचुरी और आज के टाइम में MI 11T Pro में आपको 120 वॉट का चार्जर मिलता है। और भी अगर बाकी एंड्रॉयड फोन्स की बात करें तो Realme GT 65 वॉट का चार्जर मिलता है, आपको OnePlus 9 Pro 5G में 65 वॉट का, उसमें भी चार्जर मिलता है। Samsung S21 Ultra 5G में भी आपको 25 वॉट का चार्जर मिलता है, एटलीस्ट एप्पल से तो बेटर ही है। तो ये मुझे पसंद नहीं आया कि जो चार्जर है एप्पल का वो अभी भी 20 वॉट का चार्जर प्रोवाइड कर रहे हैं इतने हाई एंड स्मार्टफोन के साथ में। एटलीस्ट उनको अपना चार्जर थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए। तो दोस्तों जो सेकंड रीजन है वो है कैमरा। आई नो एप्पल के कैमरा बहुत अच्छे हैं, यू कैन इजीली क्लिक वेरी गुड फोटोज विद देम, बट अगर आप उन फोटोज को जूम करते हैं तब उसमें आपको डिटेल्स नहीं मिलती है। एप्पल से जो फोटो हम खींचते हैं वो अगर एप्पल के स्क्रीन में देखना हो हमको उन फोटोज को तो वो अच्छा है, बट अगर उसको आप एक लार्ज स्क्रीन में देखना चाहते हैं टीवी पे या किसी बड़े स्क्रीन पे, उनमें जो डिटेल्स है मिसिंग रहती है। एज कम्पेयर टू अगर आप एंड्रॉयड फोन्स की बात करेंगे तो आपको Xiaomi 11T Pro में 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है दोस्तों और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। एज कम्पेयर टू अगर एप्पल के नए आईफोन्स की बात की जाए 13 सीरीज की तो उनमें आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो देखिए Realme GT में हमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, OnePlus 9 Pro 5G में आपको 48 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलता है और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। Samsung S21 Ultra 5G जो कि एक काफी बेहतरीन फोन है और उसमें आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है और 40 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। तो दोस्तों इस मामले में भी एप्पल काफी पीछे है, एटलीस्ट उनको 13 सीरीज में अपने जो कैमरा है उनको अपग्रेड करना चाहिए था, क्योंकि 12 सीरीज में भी हमें 12 मेगापिक्सल का ही कैमरा मिल रहा था। बैटरी कैपेसिटी, तो दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बैटरी कैपेसिटी। दोस्तों एप्पल कभी डिस्क्लोज नहीं करता है कि उनके जो फोन्स हैं उनमें कितनी बैटरी है, बट एज पर लीक्स और एज पर गिज चाइना वेबसाइट हमें पता चला है कि एप्पल 13 सीरीज के फोन्स हैं उनमें 13 मिनी में हमें 2500 mAh का बैटरी मिलता है, 13 में हमें 3265 mAh का बैटरी मिलता है, 13 प्रो में 3150 mAh का बैटरी मिलता है और 13 प्रो मैक्स जो कि उनका टॉप वेरिएंट है उसमें हमें 4400 mAh का बैटरी मिलता है। दोस्तों आज के टाइम में जहां पे एंड्रॉयड फोन्स में 5000-6000 mAh की बैटरी मिल रही है, ऐसे टाइम में हमें एप्पल में इतनी कम बैटरी मिल रही है, तो ये थोड़ा सा मुझे डाउनसाइड लगा। जहां तक बात की जाए अगर इनके काउंटर पार्ट एंड्रॉयड फोन्स की, तो OnePlus 9 Pro में हमें 4500 mAh की बैटरी मिलती है, यानी कि iPhone Pro Max से भी ज्यादा बैटरी मिलती है। अगर Samsung S21 Ultra 5G की बात की जाए तो उसमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है हमें, MI Ultra 5G की बात की जाए उसमें भी हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है। तो दोस्तों बैटरी के डिपार्टमेंट में एप्पल अभी भी पीछे है, एप्पल को अपनी बैटरी कैपेसिटी थोड़ी बढ़ानी चाहिए। दोस्तों जो फोर्थ पॉइंट है वो है हमारा टच ID या फिर फिंगरप्रिंट सेंसर जिसको कहते हैं। तो दोस्तों जो 13 सीरीज के फोन हैं जो अभी लॉन्च हुए रिसेंटली इनमें भी हमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है, 12 में भी हमें नहीं मिल रहा था। मुझे ये लगता है कि 13 सीरीज में एटलीस्ट उनको टच आईडी या फिर जिसको फिंगरप्रिंट सेंसर कहते हैं वो देना चाहिए था, बट उन्होंने इसमें भी नहीं दिए। हाँ इसमें फेस आईडी हमको मिलती है बट टच आईडी इसमें भी गायब है। जहां तक बात की जाए एंड्रॉयड फोन्स की तो उनमें हमें बेसिक फोन में भी हमें टच आईडी मिलती है। टच आईडी काफी अच्छा फीचर है और एक बहुत जरूरी फीचर है आज के टाइम में, बिकॉज कभी कभी क्या है फेस आईडी ठीक से काम नहीं
नहीं करती है, बट जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो अच्छे से काम करता है। अगर बात की जाए एंड्रॉइड फोन्स की, तो हमें S21 अल्ट्रा में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और फेस अनलॉक तो मिलता ही है। सेम MI 11 अल्ट्रा 5G की बात की जाए तो उसमें भी हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है और फेस अनलॉक का फीचर मिल रहा है। OnePlus 9 Pro 5G में भी और Realme GT 5G में भी हमें सभी में लगभग जो हाई एंड फोन्स हैं एंड्रॉइड के जो इससे आधी से भी कम कीमत में हमें मिल जाते हैं उनमें भी हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है, बट एप्पल के जो 13 सीरीज के फोन है उनमें अभी भी फिंगरप्रिंट सेंसर गायब है। तो ये मुझे थोड़ी कमी लगी। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नॉच। दोस्तों अगर आपने एप्पल 13 सीरीज के फोन्स देखे होंगे तो उनमें अभी भी नॉच गायब नहीं हुई है, अभी भी नॉच है और हर किसी को ये लग रहा था कि एप्पल 13 सीरीज में एटलीस्ट नॉच गायब हो जाएगी, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक फीचर है जो आज सारे एंड्रॉयड फोन्स में आपको किसी में भी नॉच देखने को नहीं मिलेगी जिस तरह की नॉच आपको एप्पल फोन के सीरीज में मिल रही है 13 सीरीज में। हाँ, उन्होंने 20% उस नॉच को रिड्यूस जरूर कर दिया, बट स्टिल इट इज देयर। तो ये नहीं होना चाहिए था, एप्पल को इस पे काम करना चाहिए था और इस नॉच को एटलीस्ट छोटा करना चाहिए था, सो दैट जो डिस्प्ले एरिया है हमें और ज्यादा मिल पाता। अगर एंड्रॉइड फोन्स की बात की जाए तो हमें सैमसंग S21 अल्ट्रा 5G में इनफिनिटी ओ डिस्प्ले मिलता है, मतलब उसमें आपको नॉच ना के बराबर ही मिलती है। OnePlus Pro 5G, MI अल्ट्रा 5G, Realme GT 5G जो कि काफी बेहतरीन फोन्स हैं उनमें भी हमें पंच होल डिस्प्ले मिलता है या फिर इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा मिलता है। तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अगर एंड्रॉइड में फोन्स में है तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एप्पल ने अपने फोन्स में ये सब चीजें क्यों नहीं दी हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है USB टाइप सी पोर्ट। दोस्तों अभी भी हमें एप्पल के फोन्स में USB टाइप सी पोर्ट नहीं मिलता है, हमें उसकी जगह लाइटनिंग पोर्ट मिलता है। हाँ, लाइटनिंग पोर्ट आज से कुछ साल पहले काफी अच्छा था, बट आपको ये जानकर शॉक होगा कि जो लाइटनिंग पोर्ट है वो अभी भी USB 2.0 पे काम करता है, और जबकि हम अभी USB 3.0 से भी आगे आ चुके हैं, USB 3.1 पे आ चुके हैं। तो ऐसे टाइम में लाइटनिंग पोर्ट की जगह अगर USB टाइप सी हमें मिलता एप्पल में तो हमारे जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती एज कम्पेयर टू लाइटनिंग पोर्ट। जबकि बाकी एंड्रॉइड फोन्स की बात की जाए तो हमें उनमें सभी में लगभग USB टाइप सी पोर्ट मिलता है। USB टाइप सी पोर्ट भी लाइटनिंग पोर्ट की तरह रिवर्सिबल है, आप दोनों साइड से उसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने फोन में। और एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि USB टाइप सी में हमें ज्यादा करंट रेटिंग मिलती है, 3-5 एम्पियर मिलता है, एज कम्पेयर टू जो लाइटनिंग पोर्ट है वो ओनली मैक्सिमम 2.4 एम्पियर तक सपोर्ट करता है। USB टाइप सी आज एक यूनिवर्सल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, आज के लिए हर एक फोन में, मतलब हर एक फोन में, टैबलेट में आपको मिल जाएगा, बट स्टिल एप्पल ने इसे अपने जो नए iPhones हैं उनमें इंक्लूड नहीं किया है, एंड दैट इज समथिंग विच आई डोंट लाइक। दोस्तों अब हम कुछ पॉइंट्स की बात करने वाले हैं जो मुझे एप्पल के फोन्स में बेस्ट लगती है, जिनकी वजह से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ मुझे एप्पल के iPhones लेने हैं। तो सबसे पहली बात है उसका डिस्प्ले। दोस्तों एप्पल के अभी जो लेटेस्ट के iPhones हैं यानी कि iPhone 12 और iPhone 13 में हमें सुपर रिटिना XDR डिस्प्ले मिलता है, और जो पुराने फोन हैं उनमें हमें सुपर रिटिना डिस्प्ले मिलता है, जिसमें iPhone 13 सीरीज के फोन में हमें पिक्सल पर इंच 458 ppi से लेकर 476 ppi तक मिलता है। दोस्तों ये जो सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है ये OLED टेक्नोलॉजी पे काम करता है। दोस्तों इन सुपर रेटिना डिस्प्ले में हमें हाई ब्राइटनेस और हाई कलर एक्यूरेसी मिलती है और ज्यादा कलर देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो OLED डिस्प्ले हैं उनसे। आई नो एंड्रॉइड फोन्स में भी OLED डिस्प्ले मिलते हैं, बट जो सुपर रेटिना डिस्प्ले है वो नॉर्मल जो OLED डिस्प्ले है उससे काफी बेटर है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। दोस्तों जो नॉर्मल OLED डिस्प्ले हैं उनमें कुछ टाइम यूज करने के बाद में आपको जब आप इमेज चेंज करते हैं तो जो न्यू इमेज आती है उसमें हमें जो पुरानी इमेज थी उसका कुछ धुंधली सी तस्वीर उसमें हमको दिखाई देती है। इसे बर्न इन फीचर कहते हैं। दोस्तों ये नॉर्मल जो OLED डिस्प्ले हैं उनमें होता है, बट अगर सुपर रेटिना डिस्प्ले की बात की जाए तो उसमें ये जो दिक्कत है ये ना के बराबर है। और जो नॉर्मल OLED डिस्प्ले हैं उनमें कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो ब्राइटनेस होती है वो डिक्रीज हो जाती है एज कम्पेयर टू एप्पल के जो रेटिना डिस्प्ले हैं उनसे। तो जो एप्पल का रेटिना डिस्प्ले है ये लॉन्ग लास्टिंग है, इसमें आपको जो बर्न इन की दिक्कत होती है या फिर जो रिड्यूस्ड ब्राइटनेस का इश्यू होता है वो देखने को नहीं मिलता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल OLED डिस्प्ले। तो इसीलिए एप्पल के जो डिस्प्लेज हैं दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड।
दोस्तों जो नेक्स्ट बेस्ट थिंग है एप्पल के आईफोन्स में वो है इसका प्रोसेसर। अब जब मैं प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ तो A14, A15 मैं एक जनरल टर्म में बोल रहा हूँ प्रोसेसर। व्हाई? बिकॉज एप्पल जो अपने प्रोसेसर है वो खुद ही बनाता है एंड देन उनका जो iOS है वो भी एप्पल खुद ही बनाता है। बट क्योंकि एप्पल दोनों चीज खुद ही बनाता है तो जो उसका जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो इंटीग्रेशन है वो इतना अच्छा रहता है कि जो आपका डिवाइस है मतलब iPhone 13 है या iPhone 12 है या उससे पहले कोई भी डिवाइस है तो जो इनका इंटीग्रेशन है वो इतना अच्छा होता है कि आपको जो आउटपुट है वो अल्टीमेट मिलता है। मतलब इनके फोन्स इतने स्मूथ होते हैं, कभी लैग नहीं करते हैं और आपको जो परफॉर्मेंस है वो एकदम हाई एंड की मिलती है। अनलाइक दी एंड्रॉयड फोन्स में ऐसा नहीं होता है। एंड्रॉयड फोन्स में जो मैन्युफैक्चरर है आपके प्रोसेसर का वो कोई और है, जो OS है वो एंड्रॉयड का है और जो फोन का मैन्युफैक्चरर है वो कोई और है, जिसकी वजह से क्या है जो हमें जो डिवाइस है कोई भी एंड्रॉयड पर्टिकुलर डिवाइस है उसमें हमें ऑप्टिमम परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती है, बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती है एज कम्पेयर टू एप्पल आईफोन्स। दोस्तों एप्पल के आईफोन्स कितने पावरफुल हैं ये हमें Geekbench स्कोर से पता चल सकता है। Geekbench एक क्रॉस प्लेटफॉर्म बेंचमार्क है जिससे हमें पता चलता है कि जो सिस्टम परफॉर्मेंस है वो कितना बेटर है। तो दोस्तों Geekbench का अगर स्कोर चेक किया जाए, नॉर्मली अभी आईफोन 13 सीरीज के फोन्स का Geekbench स्कोर अभी अवेलेबल नहीं है, बट अगर आईफोन 12 की बात की जाए तो आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स इनके स्कोर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं ये काफी आगे हैं एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड फ्लैगशिप फोन्स लाइक OnePlus 9 Pro 5G या फिर MI Ultra 5G या Samsung S21 Ultra 5G। Apple के जो iPhone 12 है वो इनसे काफी ज्यादा आगे है और जैसे कि Apple ने इस बार रिवील किया है कि जो Apple के 12 सीरीज के फोन्स थे वो A14 चिप पे बेस्ड थे। दोस्तों Apple ने iPhone 13 सीरीज के फोन्स में न्यू प्रोसेसर लगाया है जो कि है A15 Bionic और ये A14 से भी ज्यादा पावरफुल है। तो हम ये कह सकते हैं कि Apple के जो फोन्स हैं उनका जो प्रोसेसर है मतलब ओवरऑल जो फोन है दैट इज मच पावरफुल देन दी देयर एंड्रॉयड काउंटर पार्ट्स या एंड्रॉयड फ्लैगशिप लेवल के जो फोन हैं उनसे ये काफी फास्ट है। तो ये सबसे बेस्ट चीज है एप्पल की जिसकी वजह से एप्पल के फोन्स पूरी दुनिया में फेमस हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट बेस्ट थिंग है आईफोन 13 सीरीज के फोन में वो है स्प्लैश वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस। दोस्तों आईफोन 13 सीरीज के फोन IP68 सर्टिफाइड हैं। दैट मींस ये स्प्लैश वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट हैं। अब हमें एंड्रॉइड के फोन्स में भी ये फीचर मिलता है, कई फोन्स में हमें ये फीचर मिलता है जैसे कि OnePlus 9 Pro 5G में भी हमें ये फीचर मिलता है, MI 11 Ultra 5G में भी ये फीचर मिलता है, Samsung का जो फ्लैगशिप फोन है Samsung S21 Ultra 5G में भी ये फीचर हमें मिलता है। बट जो सबसे खास चीज है जो कि एप्पल को थोड़ा ज्यादा एडवांटेज देती है वो है कि जो बाकी के एंड्रॉइड फोन्स हैं उनमें आप 1.5 मीटर डेप्थ तक ही जो वाटर रेजिस्टेंस फीचर है वो काम करता है अप टू 30 मिनट तक, बट अगर एप्पल आईफोन 13 सीरीज की बात की जाए तो इसमें हमें अप टू 6 मीटर तक जो वाटर रेजिस्टेंस का फीचर है वो मिलता है हमें, अप टू 6 मीटर एंड मैक्सिमम टाइम है 30 मिनट्स तक। ये हमें बाकी एंड्रॉइड फोन्स में नहीं मिलता है जो कि हमें एप्पल के आईफोन 13 सीरीज के फोन्स में मिलता है। तो ये अच्छी बात है जो एप्पल ने पहली बार इंट्रोड्यूस की है अपने आईफोन 13 सीरीज के फोन में। दोस्तों जो अगली चीज जो मुझे एप्पल के आईफोन्स में अच्छी लगती है वो है रेगुलर अपडेट्स। एप्पल के आईफोन्स में आपको रेगुलर सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट्स मिलता रहता है जिसकी वजह से जो एप्पल के आईफोन्स हैं दे आर मच मच मोर सिक्योर्ड एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड फोन्स, बिकॉज एंड्रॉइड में हमको रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट नहीं मिलता है जिसकी वजह से एंड्रॉइड के फोन्स में फिशिंग या साइबर अटैक होने के ज्यादा चांसेस हैं एज कम्पेयर टू आईफोन्स। आईफोन्स को लोग इसीलिए पसंद करते हैं बिकॉज दे आर मोर सिक्योर्ड एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही अच्छा फीचर है। अगली चीज है कस्टमर सपोर्ट। दोस्तों आईफोन के साथ में आपको एक बहुत ही बेहतरीन कस्टमर सपोर्ट मिलता है। इसका कस्टमर जो सपोर्ट है वो टोटली एक्सेलेंट है एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड फोन्स। हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव है बट स्टिल इनके साथ में आपको वारंटी और इंश्योरेंस क्लेम बहुत ही स्मूथली आपको मिल जाता है, जबकि एंड्रॉयड फोन्स में हमें ये थोड़ा दिक्कत फेस होती है। इस तरीके का सपोर्ट इसीलिए मिल पाता है बिकॉज एप्पल इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू इट्स कंज्यूमर्स, क्योंकि एप्पल ही हर चीज बनाता है, OS भी बनाता है, प्रोसेसर भी बनाता है, फोन्स भी बनाता है। दैट्स व्हाई एप्पल जो है आपको ज्यादा बेहतरीन कस्टमर सपोर्ट देता है, इंश्योरेंस क्लेम देता है, वारंटी क्लेम देता है। एप्पल का जो कस्टमर सपोर्ट है वो बहुत ही अच्छा है एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड फोन्स। रीसेल वैल्यू। दोस्तों एप्पल के फोन्स पूरी दुनिया में फेमस हैं बिकॉज दे आर मच मच मोर पावरफुल, मच स्मूथ, मच यूजर फ्रेंडली एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड फोन्स। सो इनकी जो रीसेल वैल्यू है वो भी काफी अच्छी है। मतलब अगर आपका फोन कुछ एक साल या दो साल पुराना भी है तो भी वो काफी अच्छे प्राइस में आप उसको रीसेल कर सकते हैं एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड फोन।
फोन्स जो नॉर्मली एक या दो साल बाद ही उनकी जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो जाती है, बट एप्पल में ऐसा नहीं है। एप्पल के फोन्स लॉन्ग लास्टिंग है, काफी स्टर्डी है, उनका बिल्ट काफी अच्छा रहता है, उनका डिस्प्ले काफी अच्छा है, उनका प्रोसेसर काफी फास्ट है और उनका जो iOS है वो काफी स्मूथ है, इसीलिए उनके जो फोन्स हैं वो काफी लंबे टाइम तक चलते हैं और उनकी जो रीसेल वैल्यू है वो हमें काफी अच्छी मिलती है। नो ब्लोटवेयर। दोस्तों एक और अच्छी चीज है एप्पल के फोन्स में कि हमें वहां पे कोई भी ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलता है। वहां आपको एप्पल के कुछ एप्स मिल जाएंगे, उसके अलावा उनमें कोई भी ब्लोटवेयर नहीं रहता है, अनलाइक दी एंड्रॉयड फोन जिनमें हमें काफी सारे ब्लोटवेयर देखने को मिलते हैं, काफी सारे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं और इन ब्लोटवेयर को हम निकाल भी नहीं सकते हैं, अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते हैं एंड्रॉयड फोन्स में, कुछ ऐसे ब्लोटवेयर भी हमको मिलते हैं, बट एप्पल के फोन्स में ऐसा नहीं होता है। एप्पल के फोन्स में कोई भी ब्लोटवेयर नहीं मिलता है, इट्स वेरी क्लीन, वेरी स्मूथ और ये एक अच्छी चीज है एप्पल के फोन्स में। दोस्तों एक फीचर जो मुझे काफी कॉमन लगा आईफोन 13 सीरीज में और एंड्रॉयड के फोन्स में, हालांकि एप्पल ने ये फीचर सिर्फ आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स में ही दिया है और वो है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। इससे पहले कि किसी फोन्स में आपको ये फीचर नहीं मिलेगा एप्पल के फोन्स में, और जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी में भी आपको जो हायर रिफ्रेश रेट का फीचर है वो आपको नहीं मिलता है, सिर्फ आपको आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स में ही ये फीचर मिलता है 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता था, जबकि आपको एंड्रॉयड के काफी जो फ्लैगशिप फोन्स हैं उनमें ये फीचर मिलता है, OnePlus 9 Pro 5G में भी आपको 120 हर्ट्ज का एडाप्टिव रिफ्रेश रेट मिलता है, MI Ultra 5G में भी आपको 120 हर्ट्ज का एडाप्टिव रिफ्रेश रेट मिलता है, Samsung S21 Ultra 5G में भी आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का फीचर मिलता है। एडाप्टिव मतलब कि अगर आप मान लीजिए कोई हाई इंटेंसिव वर्क नहीं कर रहे हैं, मतलब आप नॉर्मल एक फोटो देख रहे हैं या रीडिंग कर रहे हैं, तो रिफ्रेश रेट कम हो जाता है, 10-20 पे आ जाता है, सो दैट आपकी जो बैटरी है उसको सेव कर सके, और अगर आप कोई हाई इंटेंसिव गेमिंग कर रहे हैं तो ये रिफ्रेश रेट एकदम पीक लेवल पे 120 हर्ट्ज पे चला जाता है, जिससे कि आपको एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस मिल सके। तो इसी तरीके का फीचर आपको सारे एंड्रॉइड फोन्स में भी मिलता है, तो ये फीचर आपको लगभग टाई है। तो दोस्तों मुझे लगता है अब आप क्लियर हो गए होंगे कि आपको एप्पल के फोन लेने हैं या एंड्रॉइड के फोन लेने हैं। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा ऐसा फीचर है जो एंड्रॉइड फोन्स में है और एप्पल फोन में नहीं है, और आप चाहते हैं कि वो फीचर एप्पल के फोन्स में आ जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।